उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में आने वाली भटियानी चौटा सरकारी स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद पूरे शहर में तनावपूर्ण माहौल है। हिंदू संगठनों की ओर से बाजार बंद करने का आह्वान किया गया और युवा अंदरूनी शहर के बाजारों में निकल गए। आगे आगे मुश्तैद पुलिस के जवान थे और पीछे आक्रोशित युवा नारेबाजी करते हुए थे, बाजार बंद करवा रहे थे। शहर के भटियानी चौटा, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, मोती चौटा, हाथीपोल, दहली गेट, बापू बाजार, धान मंडी आदि सभी बाजारों में व्यापारियों ने भी स्वतः ही बाजार बंद कर दिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर भी माहौल खराब रहा। आक्रोशित युवाओं को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं एक दो गाड़ियों के शीशे भी तोड़ने और धक्का मुक्की जैसी घटनाएं सामने आई हैं। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, सांसद मनलाल रावत, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष रविन्द्र श्रीमाली, पूर्व अध्यक्ष दिनेश भट्ट, उदयपुर कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर, पार्षद गौरव प्रताप सिंह, कुलदीप जोशी, पूर्व पार्षद देवेंद्र जावलिया, हिंदू संगठन के रविकांत त्रिपाठी, कुंदन बसीटा, रणजीत तिकपाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी ने आरोपी युवक घर के अवैध होने पर बुलडोजर चलाने की मांग की। आपको बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा देवराज मोची में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई ने देवराज की जांघ पर चाकू से हमला कर दिया। इससे देवराज बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। बाद में देवराज को गंभीर अवस्था में एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक शहर में तनावपूर्ण शांति कायम थी। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। दूसरी ओर मधुबन में भी आक्रोशित भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए। होटल गोल्डन ट्यूलिप के सामने खड़ी कारों को आग के हवाले कर दिया गया। मस्जिद के बाहर भी पत्थरबाजी की घटना हुई है। अरवाना मॉल में भारी तोड़फोड़ की गई। कुल मिलाकर पूरे शहर में माहौल तनावपूर्ण बना रहा। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है।
अगर प्रशासन और सरकार के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर सनातन के प्रति श्रद्धा और अगर विश्वास है तो उनको इससे खुल के कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे जो उदयपुर के माहौल बिगाड़ रहे हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके और हिंदू धर्म को यहाँ पर उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि सरकार और प्रशासन उनके लिए आज भी है। बाकी क्या हो रहा है अभी कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ और उसके बाद आज ये फिर देखने को मिला, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे क्या जंगल राज चल रहा है क्या उदयपुर में? एक छोटा बच्चा 10वीं का जो स्कूल में पढ़ने जा रहा है और उसको चाकू मार के गले में और उसका गला लटका दिया है और प्रशासन घर बैठ के अभी नींद निकाल रहा है, तो क्या अलर्ट है उदयपुर में? हमारे बच्चे भी जाएंगे फिर उन्हें भी ये सब प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, उस तरह का सरकार कुछ कार्रवाई करे ये सब चीज के लिए। कोई खास कदम नहीं होगा, पिछली बार भी उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने से क्या होगा? कितनी बार गिरफ्तार करोगे आप? गिरफ्तार करोगे जेल में डालोगे वापिस बाहर आ जाएंगे, आए दिन ये घटना होती है, मौत होगी, तो उनके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में होता है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, जो योगी सरकार कर रही है वो यहाँ पे भी करनी चाहिए, राजस्थान में भी। उनकी हिम्मत कैसे होगी? 10वीं क्लास में बच्चों में बंडे अगर आप चक्कू मार रहे हो तो आम जन कसान सावधान रहेगा, मतलब कसान सरकार मतलब कहीं कर रही थी। ये मेरा कहने का यही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, योगी सरकार करती है, वो राजस्थान में फॉर्मूला जब तक लागू नहीं होगा। आप बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत देख लो, जो वहाँ पे जो हो रही घटना वो यहाँ पे भी हो रही है। एक देखो छोटा सा शहर है, इतना प्यारा शहर है और वो घटना सारी जिलों की नजदीक पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ पे ऐसी घटना होती है तो इससे पूरे मार्केट में पूरे टूरिस्ट में सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा यही है, हम व्यापार मंडल से हमारा यही कहना चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। स्कूल में क्या पूरे उदयपुर के भारत सुरक्षित नहीं है? क्या सुरक्षित मान लो? अभी आप बोलो सुरक्षित है, आपको दिख रहा क्या? तो 10 साल का बच्चा, 10वीं पढ़ा वो बच्चा सब मर्डर कर रहा है, आगे क्या विकास होगा भारत का? क्या सुरक्षित होगा? सब नेता लोग इनसे रिक्वेस्ट है ये इसके पालना करे और इसका बंदोबस्त करके इनको खत्म करे, इनका ऐसा न्याय और कानून बनाए जिसके हिंदू सुरक्षित रहे, यही कहना चाहता हूँ। प्रशासन को थोड़ा सख्त स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा। कार्रवाई करनी चाहिए और इससे क्या है, आम व्यापारी बहुत डरा हुआ है, आज तो ये हुआ है कि आगे क्या होगा, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट व्यापार। लेकिन कोई साथ नहीं देता है। आज एक हिंदू की दुकान खुली, एक पास वाले को पूछा था कोई हिंदू उसका साथ नहीं। एकता की हिंदुओं में एकता की बहुत बहुत हिंदू को एकता रखना पड़ेगा, एकता बहुत जरूरी है। आप बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं है? बिल्कुल स्कूल में सेफ नहीं है, प्रशासन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आज सुबह की घटना है, दो बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ, बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था ICU में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल करिए इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जाँच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटना क्यों हुई इसके बारे में
भी समाज से मिलके और स्कूल से मिलके बात की जा रही है। तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई बात या तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें, और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था वैसा माहौल हमेशा रहे। और जल्दी जैसे कोई और सूचना आएगी तो हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और बच्चे की स्थिति जो है वो स्टेबल है, बच्चा स्टेबल। सर शहर में किस तरह से माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था भी क्या किया? अभी सुरक्षा व्यवस्था जैसी कोई स्थिति नहीं है, पर फिर भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट माहौल ख़राब नहीं करें इसके लिए हम सभी संगठनों से बात कर रहे हैं। हमारी पुलिस की टीम प्रशासन की टीम भी जा रही है, क्योंकि होता क्या है कि भीड़ में 100 लोगों में कई बार 2 ही लोग होते हैं जो माहौल ख़राब कर देते हैं, बाकी लोग माहौल ख़राब करने के लिए नहीं आए होते हैं। तो वैसे लोगों से हम सभी को सचेत रहना है, और ऐसा आदमी हमारे बीच में कोई है तो इमीडिएटली सूचना पुलिस को देनी है और विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की जा रही है।